अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होगी माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की जो रेमेडी है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो चले आए रेमेडी शुरू करते हैं और साथ साथ बताते भी जाते हैं कि ये आज की रेमेडी किस चीज़ की है। तो आज जो रेमेडी बना रही हूँ ये हमारे फेस की तमाम प्रॉब्लम जो है ख़त्म कर देगी। तो यहाँ मैंने एक नॉर्मल साइज़ का जो है आलू लिया है, उसको मैं कर रही हूँ कद्दूकश। आप चाहें इसको ब्लेंडर में डालकर पीस लें, हमें चाहिए इसका जूस। तो यहाँ जो है मैंने हाथों की मदद से इसका जूस निकाल लेना है। हमें चाहिए 2 टेबलस्पून जो है आलू का जूस। तो ये जो जूस है आलू का बहुत ही कीमती और बड़ा ही ज़बरदस्त काम आने वाला है। तो यहाँ जो है मैंने 2 टेबलस्पून जो है आलू का जूस ले लिया है। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें इसका जूस चाहिए। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे जी हनी। तो ये हनी और जूस हम करेंगे मिक्स। इसमें डालेंगे हम तीसरी चीज़ डालेंगे हम इसमें कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। तो ये जो चम्मच है हमारा, जो हमारे पास जो है ये 1 टीस्पून के बराबर है। साथ ही डालेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून ही लीमू का जूस। तो यहाँ मैंने छोटा सा पीस कट कर इसके अंदर मुझे इतना निकल जाएगा कि हमारा 1 टीस्पून हमारे पास जूस चाहिए। तो ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको इस्तेमाल करें तो आपके फेस की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसको करना है अच्छे से हमें मिक्स। मिक्स करने के बाद आप इसको कॉटन बॉल की मदद से, क्योंकि ये लिक्विड है तो ये ब्रश वगैरह से लगने में बहेगा, तो आपके कॉटन बॉल लेकर उससे अपने फेस पर जिस जगह पर आपके निशानात हैं उस जगह पर आप इसको जो है अप्लाई करें। और यकीन जाने आपकी तमाम फेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चाहे वो पिंपल्स के निशान हो, चाहे वो झाइयाँ हो, रिंकल्स हो, टैनिंग हो, जो भी हो, आपके फेस की तमाम प्रॉब्लम्स इस एक रेमेडी से ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं, आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी, हेयर की, स्किन की, ब्यूटी की, फैट बर्निंग की। तो आप मेरे चैनल का विज़िट लाजमी करें। तो यहाँ जो है हमने इसको अप्लाई कर दिया है, मैं आपको अपने हाथों पे करके बता रही हूँ। आप अपने फेस पर इसी तरह से इसको अप्लाई करें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाए तो नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लें। तो मेरी रेमेडी अगर आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। और जो मेरे नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आप रेमेडी को तैयार करें और इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ देखें मैंने इसको कर लिया है वॉश, तो बहुत ही ज़बरदस्त फर्स्ट टाइम में रिज़ल्ट आया है। इजाज़त दें और मेरी वीडियो को वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।